हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लॉक पेंटिंग का एक नया डिज़ाइन सीखेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आइए देखते हैं। पहले तो हमें कागज़ का टुकड़ा चाहिए जहाँ पर हमें एक स्क्वायर बनाना है। हमें एक इंची टेप के मदद से स्क्वायर का माप लेना है। मैंने 3 इंच पर लिया है। इस पॉइंट को हमें जोड़ना है और एक कैंची की मदद से इसे काट देना है। हमें कुछ इस टाइप का स्क्वायर मिलेगा और इस स्क्वायर को ऐसे फोल्ड कर देना है बीच में से। अगर साइड में कुछ हिस्सा बच जाता है तो कैंची से उसे ऐसे काट देना है। फिर हमको स्क्वायर के बीचों बीच जो लाइन बनाया है उसको भी काट देना है और हमें इस टाइप का एक शेप मिलेगा। अभी एक पोटैटो लेना है और उसको बीच में से काट के इस तरह से शेप को यहाँ बिठाना है और मार्कर या पेन के मदद से इसे लाइन करना है, बॉर्डर लाइन बनाना है और एक चाकू की मदद से इसको काट देना है और हमें ऐसा ट्रायंगल का शेप मिल जाएगा। फिर हमें एक स्पंज लेना है, उसमें कुछ कलर लेना है और एक ब्रश की मदद से इस कलर को स्पंज में फैला देना है कुछ इस तरीके से। फिर हमें कपड़ा लेना है और कपड़े को दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर देना है ताकि हमको हमारा सेंटर पॉइंट मिल जाए। और हमें इस सेंटर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बीचों बीच एक लाइन खींचना है ऐसे, और इस तरफ से भी एक लाइन खींच देना है। और अभी हम पोटैटो में इस तरह से कलर लगाएंगे और सेंटर को ध्यान में रखते हुए और बॉर्डर लाइन को ध्यान में रखते हुए इस तरह से कपड़े में शेप को बिठा देंगे और हमारा एक शेप यहाँ पर बैठ गया है। और दूसरी तरफ से भी बॉर्डर लाइन और सेंटर को ध्यान में रखते हुए शेप को इस तरह से बिठाना है। नीचे भी इसी तरह से हमको शेप को कपड़े में बिठा देना है और प्रिंट करना है। चारों तरफ से इसी तरह से बिठाना है और हमें एक सुंदर सा फ्लावर डिज़ाइन मिल जाएगा। अभी हमें फिर से इंची टेप लेना है, बस इस फ्लावर को मार्क करना है। 6 सेंटीमीटर हुआ है और यहाँ पे भी हम 6 सेंटीमीटर मार्क करेंगे चारों तरफ से। और फिर हमें यहाँ पर एक लाइन खींच देना है ऊपर से नीचे तक। फिर हमें इसको मार्क करना है कि नीचे फ्लावर का कितना साइज होगा। यहाँ पे भी 6 है, चारों तरफ से सेम ही है और इस तरह से भी हमको लाइन खींचना है और हमें एक स्क्वायर मिल जाएगा। फिर हमें स्टंप को लेना है और सेंटर पॉइंट और बॉर्डर लाइन को ध्यान में रखते हुए इसी तरह से हमको कपड़े में कलर चिपकाना है इस तरह से। सेम तरीके से दूसरी तरफ में भी बॉर्डर लाइन और सेंटर को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही स्टंप को यहाँ चिपकाना है। इसी तरह से हमको कुछ इस तरह का डिज़ाइन मिल जाएगा। अभी हमको यहाँ बॉर्डर लाइन बनाना है। बॉर्डर लाइन बनाने के लिए सेम साइज का हमको ट्रायंगल शेप लेना है और कुछ अलग कलर यूज करके ऐसे चिपका देना है साइड में। चारों तरफ इसी डिज़ाइन को हमें बनाना है और हमको कुछ इस तरह से उसका पैटर्न मिल जाएगा।